दोस्तों नेटफ्लिक्स पर आज एक नई वेब सीरीज रिलीज हुई है जिसका नाम है वन पीस। इस सीरीज में टोटल 8 एपिसोड है और हर एपिसोड की लेंथ 50 से 55 मिनट्स के बीच की है और इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी रिलीज किया गया है और मैंने इस सीरीज को अभी देख लिया है। तो चलिए बात करते हैं कि ये सीरीज कैसी है और क्या आपका टाइम डिजर्व करती है या नहीं। तो ये एक फैंटेसी एक्शन एडवेंचर ड्रामा सीरीज है जिसमें आप देखेंगे एक यंग लड़के लूफी की कहानी जिसको पायरेट्स किंग यानी लुटेरों का बादशाह बनना है, लेकिन इसके लिए उसको कहीं दूर छुपे हुए खजाने को ढूंढना पड़ेगा जिसके पीछे और भी बहुत सारे पायरेट्स पड़े हुए हैं। ऐसे में क्या ये छोटा सा बच्चा उस खजाने को ढूंढ पाएगा और इस खजाने को ढूंढने के लिए भी उसको एक शिप चाहिए, एक मैप चाहिए और अपनी खुद की एक टीम भी चाहिए। तो क्या लूफी इस खजाने को ढूंढ पाएगा और लुटेरों का बादशाह बन पाएगा या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको इस सीरीज़ को देखना पड़ेगा। इस सीरीज़ में मुझे वैसे तो बहुत सारी चीज़ें पसंद आई है, जैसे कि लूफी का वो रबर वाला अवतार, अलग अलग कैरेक्टर्स की अलग अलग पावर्स, वहीं हर एपिसोड में अलग अलग विलन्स जो कि लूफी की राह को और भी खतरनाक और चैलेंजिंग बनाते हैं और हर विलन की पर्सनैलिटी बहुत ही कूल और इंटरेस्टिंग है और उनके पास भी कुछ सुपर कूल पावर्स हैं। और इस सीरीज़ में एक्शंस भी बहुत ही बढ़िया है, ओवर द टॉप और क्रेजीएस्ट एक्शन सीन्स है जिसने मुझे तो पागल ही कर दिया था और मैंने इस सीरीज़ के एक्शंस को बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया है। वहीं इस सीरीज़ के कैरेक्टर डेवलपमेंट भी बहुत ही बढ़िया तरीके से हुई है, क्योंकि बस एक एपिसोड के बाद ही आप इस सीरीज़ के हर कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाओगे और आपका इंटरेस्ट बना रहेगा कि अब आगे क्या होगा। वहीं बात करें अगर स्क्रीन प्ले की तो आपको एक सेकेंड के लिए भी ये सीरीज़ बोर नहीं करेगी। हालांकि हर एपिसोड 50-50 मिनट की हैं, फिर भी ये सीरीज़ आपको एंगेज रखने में सफल रहेगी। बात करें ओवरऑल प्रोडक्शन वर्क की तो प्रोडक्शन वर्क भी बहुत ही बढ़िया है, चाहे वो लार्जर देन लाइफ सेट हो, फंकी कॉस्ट्यूम्स हो और सीरीज़ का VFX या फिर CGI, सब कुछ बहुत ही बढ़िया है, बोले तो एक नंबर। और इस सीरीज़ की कहानी कंटिन्यूसली आगे बढ़ती रहती है और बहुत ही एंगेजिंग है। मुझे इस सीरीज़ से सिर्फ एक ही कंप्लेन है कि ये सीरीज़ अपने तीसरे और चौथे एपिसोड में कहीं पर भटक जाती है, मतलब लूफी एंड टीम जो काम करने आए हैं वहां से भटक कर किसी और को बचाने में लग जाते हैं। बस यही एक चीज़ मुझे इस सीरीज़ की पसंद नहीं आई। बाकी ऑल इन ऑल ये सीरीज़ एक वेल रिटन, वेल परफॉर्म्ड, लाइव एक्शन सीन्स, सुपर कूल एडवेंचर्स और फैंटासी से भरपूर है, तो मेरे ख्याल से इस सीरीज़ को सभी लोगों को देखनी चाहिए, जिसको देख के आपको मज़ा ही मज़ा आएगा। मैं तो कहूँगा वन पीस सीरीज़ नेटफ्लिक्स का कमबैक होगा एक लंबे टाइम के बाद बहुत ही बढ़िया सीरीज़ के साथ, और आप इस सीरीज़ को फैमिली के साथ भी देख सकते हैं क्योंकि इस सीरीज़ में सिर्फ एक किसिंग सीन है बस, बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इस सीरीज़ को रेट करूँगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार। तो दोस्तों अगर आपने इस सीरीज़ को देख लिया है तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी और वीडियो में हमारी सोच कहीं पर मिलती हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी ठोक देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।